नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर योसेफ काले है। मैं कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट हूँ मणिपाल हॉस्पिटल पटियाला में। आज हम इस वीडियो में जानेंगे परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर या डिस्थाइमिया के बारे में। परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर या डिस्थाइमिया मतलब डिप्रेसिव सिम्टम्स जो कि इतने तेज नहीं है या इतने सीवियर नहीं है ताकि हम उसको डिप्रेशन कहें, पर ये हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस करते हैं। दूसरा, ये जो लो मूड है ये कंसिस्टेंटली अडल्ट्स में लगभग 2 साल के ऊपर होता है और बच्चों में 1 साल के ऊपर होता है। ऐसे देखा गया है कि डिस्थाइमिया की शुरुआत जो है वो टीनेज में या 13 से 17 साल के उम्र के बच्चों में देखी जा रही है। इसका कारण एग्जैक्टली तो हमें नहीं पता है, पर बहुत सारे लोगों को बचपन से ही स्ट्रेस हैंडल करने का इशू होता है, या तो कोई ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस अगर स्कूल में हुए हैं, या फैमिली में किसी को डिप्रेशन है या कोई दूसरा साइकियाट्रिक डिसऑर्डर है, और कोई बच्चा अगर स्कूल में बुली हो रहा है, सेक्सुअल अब्यूज़ हो रहा है, तो उनमें परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर होने के चांसेस हैं। पेरेंट्स, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो अगर आपका बच्चा स्कूल में अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहा, पहले जो बबली बच्चा था, बहुत एक्टिव बच्चा था, धीरे धीरे वो शांत होने लगा है, जो वो चीज़ों में इंटरेस्ट लेता था उन चीज़ों में वो अभी इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, लोगों से बातें उसने कम कर ली है, उसका स्कूल का परफॉर्मेंस डाउन जा रहा है, तो आपने ज़रूर एक बार साइकियाट्रिस्ट को दिखाना ज़रूरी है कि क्या इसको डिप्रेशन तो नहीं। डिस्थाइमिया या परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर के लक्षण लगभग डिप्रेशन जैसे ही होते हैं, जिसमें इंसान को मूड हमेशा लो ही लगता है। वो अपना काम तो कर रहा है पर उस काम में उसका मन नहीं लग रहा, उसको एक्टिविटीज़ में प्लेजर नहीं मिल रहा है जिस एक्टिविटीज़ में उसको खुशी मिलनी चाहिए, उसके हॉबीज़ जो है वो कम हो जाते हैं, उसके इंटरेस्ट जो है वो कम हो जाते हैं। इसका डायग्नोसिस सिम्टम्स के ऊपर होता है। हिस्ट्री टेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। किसी भी अडल्ट को जो 18 वर्ष से ऊपर है, उनको अगर 2 साल से ज़्यादा ये सिम्टम्स है तो उनको डिस्थाइमिया या परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर कह सकते हैं, या फिर बच्चों में 1 साल के ऊपर ये सिम्टम्स कंटिन्यूसली है तो उनको PDD या डिस्थाइमिया का डायग्नोसिस करते हैं। परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर या PDD का इलाज 2 प्रकार से होता है। एक, उनको हम एंटी डिप्रेशंस देते हैं, और दूसरा उनका काउंसलिंग करते हैं। काउंसलिंग में उनको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस भी बताया जाता है, उनको स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए टेक्निक्स भी बताए जाते हैं। ये इलाज थोड़ा लंबा चलता है क्योंकि बीमारी थोड़ी सी लंबी होती है, इसलिए अगर आपका इलाज चल रहा है तो इलाज बीच में बंद ना करें, भले ही आपको सारी चीज़ें नॉर्मल हो गई। डिस्थाइमिया हमारी परफॉर्मेंस को बहुत अफेक्ट करता है। तो मान लो कि कोई एक ब्राइट चाइल्ड है, अगर उसको डिस्थाइमिया या परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर जैसी बीमारी ने ग्रस्त कर लिया तो उसकी पूरी ज़िंदगी, उसका पूरा करियर खराब हो सकता है, वो फेलियर की तरफ जा सकता है, और उसका डिप्रेशन ज़्यादा हो सकता है, सीवियरिटी ज़्यादा होके अपनी जान लेने के लिए मजबूर भी हो सकता है। परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर का इलाज संभव है, पर जल्द से जल्द आपने इलाज करना ज़रूरी है और ट्रीटमेंट रेगुलरली लेना ज़रूरी है। इसका ट्रीटमेंट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है क्योंकि मेडिसिंस के लिए रिस्पॉन्स थोड़ा लेट आता है।